वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर एकता कपूर ने एक और तैयारी कर ली है हमें नई नागिन से इंट्रोड्यूस कराने की। अब वो नई नागिन कौन है आपके मन में सवाल होगा। यहाँ पर नई नागिन है वो क्रिस्टल डिसूजा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये नागिन सीजन 3 में नजर आने वाली हैं, तो चलिए आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले हमारी एक नज़र पड़ी एकता कपूर के ट्वीट पर, जिससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्रिस्टल डिसूजा जरूर नजर आएंगी। वहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया था कि यहाँ पर हु इज कमोलिका इज क्रिस्टल केयर विद नागिन क्रिस्टल एंड कमोलिका हिना खान। तो यहाँ पर नागिन जो लिखा था उन्होंने, यानी अब वो नए उसमें नजर आने वाली हैं। और वैसे एकता कपूर और क्रिस्टल डिसूजा ने एक लाइव वीडियो में यहाँ पर उनका जिक्र किया था कि वो नागिन के रूप में जल्दी ही नजर आने वाली हैं और आप सबके लिए सरप्राइज है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि क्रिस्टल डिसूजा कौन से शो में नजर आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, एकता कपूर एक नए शो की तैयारी कर रही हैं जिसका कॉन्सेप्ट ही नागिन से रिलेटेड है। तो उसका भी वो आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। और यहाँ पर वो तैयारी कर रही हैं कि आगे हो सकती है नजर आए, या फिर हो सकता है वो चल रहे शो के अंदर ही एंट्री ले। अभी पूरी तरह से कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमें सोर्सेज से खबर मिली है उसमें बताया जा रहा है कि क्रिस्टल डिसूजा एक नए शो के अंदर नजर आने वाली है, जो कि पूरी तरह से कंसेप्ट होगा उसका नागिन से रिलेटेड। तो नागिन से रिलेटेड कंसेप्ट के अंदर नजर आने वाली है यहाँ पर क्रिस्टल डिसूजा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी वो नागिन के ड्रेसअप में, क्योंकि उन्होंने कई बार ऑडिशन भी दिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे वो रोल भी निभाती हैं। तो वैसे कितने खुश हैं आप क्रिस्टल डिसूजा को नागिन के रूप में देखने के लिए, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी इंटरेस्टिंग अपडेट हम आपको ऐसे प्रोवाइड कराते रहेंगे, और हम पूरी तरह से इसकी लेटेस्ट वीडियो हम आपको फिर से बना के प्रोवाइड करेंगे कब नज़र आने वाली, कौन से शो में नज़र आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाना और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। Thank you.